Hello student, how are you today? I hope you all are fine. Welcome back to science class. Before I continue this lesson and take this lesson forward, we take a short recap. What we learned yesterday? We learned sense organ, eyes and ear. Then I will ask you some question on that and give you answer me. Okay? मैं कल के इस पर आपको कुछ सवाल पूछूंगी और आप मुझे उसके जवाब दीजिए. ओके, स्टार्ट करेंगे. देन स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ मेनी सेंस डू यू हैव. क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ मेनी सेंस डू यू हैव. आपको कितने सेंस है? आपके पास कितने सेंस ऑर्गन है? टेल द आंसर स्टूडेंट. यस यस यस, वेरी गुड. वी हैव five sense organ. We have five sense organ. Which of these? Yes, 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 yes. Very nice. These are eyes, ear, nose, tongue and skin. These are five sense organ. Absolutely correct, student. Then question number 2. What do you do with eyes? What do you do with eyes? Tell the answer, student. What do you do with the eyes? Yes, yes, yes. Very nice. We can see with our eyes. We can see with our eyes. हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, है ना? Question number 3. What is the function of ear? What is the function of ear? Ear का काम कौन सा होता है? Tell the answer, student. Yes, yes. Yes, very nice. We hear through ear. या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ear to ear. हम अपने कानों से सुनते हैं. Very nice. Okay, now today we learn nose, tongue and skin. आज हम ओनली 3 टॉपिक पढ़ेंगे स्टूडेंट. दीज आर नोज, टंग एंड स्किन. बिफोर स्टडी यू टेक योर पेंसिल और हाइलाइटर इन योर हैंड एंड आई विल टेल यू विच सेंटेंस इज हाइलाइटेड. यू हाइलाइट दिस सेंटेंस. ओके, देन पुट योर पेंसिल इन योर हैंड एंड पुट ऑन द सेंटेंस. ओके, शैल वी स्टार्ट? देन स्टार्ट. नोज हम आज पढ़ेंगे. नोज, नोज मतलब हमारी नाक. नोज मतलब हमारी नाक. आज हम नोज के बारे में पढ़ेंगे. आज हम हमारी नोज के बारे में पढ़ेंगे. ओके, द नोज इज द सेंस ऑर्गन ऑफ स्मेल. नोज क्या है? ये नोज क्या है? हमारी स्मेल सेंस ऑर्गन है. स्मेल का मतलब हम इससे अच्छी और बुरी दोनों तरीके की खुशबू ले पाते हैं या हम नोज से स्मेल लेते हैं. नोज से हम सूंघते हैं, है ना? हाईलाइट दिस सेंटेंस स्टूडेंट. नोज इज द सेंस ऑर्गन ऑफ. नोज इज द सेंस ऑर्गन ऑफ स्मेल. नोज क्या है? स्मेल का सेंस ऑर्गन है. ओके, पुट पेंसिल ऑन सेंटेंस. इट हेल्प अस टू स्मेल द ऑर्डर. ऑर्डर के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे. हाईलाइट द वर्ड ऑर्डर. इट हेल्प अस टू स्मेल द ऑर्डर. ये हमें क्या करता है? अच्छी और बुरी खुशबू सूंघने के लिए हेल्प करता है. सूंघने के लिए खुशबू मतलब बदबू या खुशबू, दोनों तरीके की चीजें हमें सूंघाता है. वी ऑल्सो ब्रीथ थ्रू अवर नोज. हम अपनी नाकों से श्वास लेते हैं, है ना? सांस अंदर बाहर करते हैं, एयर इन एंड आउट करते हैं. किससे? नोज के थ्रू ब्रीथ करके. ब्रीथ करना मतलब सांस लेना. द स्मॉल एंड फाइन हेयर इन अवर नोज प्रिवेंट डस्ट फ्रॉम इंटरिंग अवर बॉडी. हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, है ना? हमारे नोज के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं. छोटे छोटे फाइन हेयर्स मतलब एकदम पतले छोटे छोटे बाल होते हैं. वो पता है आपको किस लिए होते हैं? वो हमारे नोज में जब भी डस्ट एंटर करती है, मतलब हवा में जब भी धूल उड़ती है, तो वो धूल हमारे नाक में, हम जब सांस लेते हैं तो वो हमारे नाक के अंदर जाती है.
और इस धूल मिट्टी को डायरेक्ट अंदर नहीं जाना चाहिए। इसीलिए क्या होता है, नोज के अंदर हेयर्स होते हैं ताकि वो डस्ट को रोक सके और अंदर ना जा सके। अगर समझो नोज में हेयर नहीं होते स्टूडेंट, तो जो एयर है, एयर में जो डस्ट है, जो माइक्रोबीज है, जो वायरसेस है, वो हमारे लंग्स में जाते, हमारे फेफड़ों में जाते, और हमें कई तरीके की फेफड़ों की बीमारी, लंग्स की बीमारियाँ हो सकती थी, बहुत सारे डिसीजेस हो सकते हैं, है ना। तो ये हेयर जो होते हैं वो नोज में इसीलिए होते हैं कि डस्ट को प्रिवेंट कर सके, प्रोटेक्ट कर सके हमारी नोज को। इन दिस वे इट क्लीन द एयर वी ब्रीथ, और इसी वजह से क्या होता है, हम अंदर शुद्ध और ताज़ी हवा ले सकते हैं। आज हमने पढ़ा नोज के बारे में, अब हम सेकंड सेंस ऑर्गन पढ़ेंगे। ये हमारा थर्ड सेंस ऑर्गन था, अब हम फोर्थ सेंस ऑर्गन पढ़ेंगे, टंग। हम फोर्थ सेंस ऑर्गन पढ़ेंगे टंग। टंग मतलब जीवा, जीवा मतलब जीभ, है ना। टंग, द टंग इज द सेंस ऑर्गन ऑफ टेस्ट। टंग क्या है, सेंस ऑर्गन, टेस्ट का सेंस ऑर्गन है। टेस्ट मतलब स्वाद लेना, टेस्ट मतलब स्वाद लेना। हम अच्छा बुरा सभी तरीके की चीज़ों को चखते हैं और उसी पे से हमको वो चीज़ अच्छी लगती है, बुरी लगती है, हम डिसाइड करते हैं ना। तो इस सेंटेंस को हम पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, हाईलाइट करेंगे। द टंग इज द सेंस ऑर्गन ऑफ टेस्ट। ओके, वी टेस्ट, पुट पेंसिल ऑन सेंटेंस, वी टेस्ट थिंग विद अवर टंग। हम अपनी जीभा से क्या करते हैं, सारी चीज़ों को चखते हैं, उसका स्वाद लेते हैं। द फोर थिंग्स वी कैन टेस्ट आर, हम चार तरीके की टेस्ट ले पाते हैं हमारे जीभा के ऊपर, हमारी टंग के ऊपर फोर टाइप्स के टेस्ट होते हैं, इसे भी हम हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, डन। ओके, स्वीट, सॉर, सॉल्टी एंड बिटर। स्वीट, सॉर, सॉल्टी एंड बिटर, मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वा, इस तरीके की चार टेस्ट होती है। अवर टंग सेंस दीज टेस्टेस एट डिफरेंट एरिया, और ये चारों तरह की टेस्ट हमारे टंग के अलग अलग एरिया में होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके बुक में डायग्राम दिया है, जो लास्ट होता है कॉर्नर में, यहाँ पर होती है बिटर, बिटर मतलब कड़वा। जो सेकंड पोर्शन है यहाँ पर है सॉर, सॉर मतलब खट्टा, सॉर मतलब खट्टा। ओके, सॉल्टी, सॉल्टी मतलब नमकीन, सॉल्टी मतलब नमकीन, और स्वीट मतलब क्या होती है, मीठा। मतलब टंग के टिप पर, टंग की जो टिप होती है, जो फ्रंट पार्ट होता है, वहाँ पर मीठे चीज़ों का स्वाद आता है। सेकंड जो पोर्शन है वहाँ पर सॉल्टी मतलब नमकीन, सॉर मतलब खट्टा और बिटर मतलब कड़वा, ऐसी चार तरीके की टेस्ट यहाँ पर आती है। ओके, अब हम लास्ट फाइव सेंस ऑर्गन पढ़ेंगे, वो है हमारी स्किन, वो है हमारी स्किन। ओके, अब हम पांचवा सेंस ऑर्गन पढ़ेंगे, वो है हमारी स्किन। अवर स्किन इज द सेंस ऑर्गन ऑफ टच। हमारी जो स्किन है ये टच बताती है, मतलब ये टच को दर्शाती है। पहले इसे हम हाईलाइट कर लेंगे सेंटेंस को, अवर स्किन इज द सेंस ऑर्गन ऑफ टच। ये टच से हमें बताती है, जैसे कि मम्मा हमें दूध का ग्लास देती है, हम पहले अपने फिंगर की टिप से, जो हमारी फिंगर टिप्स होती है, हमारे जो उंगलियों का फ्रंट हिस्सा होता है, उससे हम टच करके देखते हैं कि वो गर्म है या ठंडा है। उसके बाद ही हम हाथ बढ़ाते हैं और जो दूध का मग है या दूध का ग्लास है उसे हम टच करते हैं। ओके, इट कवर अवर बॉडी, और इसी स्किन से हमारी बॉडी को कवर किया होता है, इसी स्किन से हमारी बॉडी को कवर किया होता है। जैसे कि मेरे हाथ पे आप स्किन देख रहे हो, ऐसे ही आपके हाथ पे भी स्किन होगी, है ना। इट टेलर्स वेदर थिंग्स आर स्मूथ, रफ, सॉफ्ट, हार्ड, कोल्ड और हॉट। ये हमारे बॉडी के ऊपर होती है और ये हमें बताती है कि वो चीज़ कैसी है। जैसे कि ये स्मूथ, पेंसिल को अगर हम छुएंगे ऊपर से तो इसका टेक्सचर कैसा है, इसका ऊपरी हिस्सा कैसा है, स्मूथ है, सॉफ्ट है ना, स्मूथ है। रफ, अगर हम इसके नोक को छुएंगे तो यह हमें हार्ड लगती है ना, तो इसका टेक्सचर कैसा है, नोक का हार्ड है, इस पॉइंट का टेक्सचर हार्ड है। और जो हमारी जो पेंसिल का ये ब्लैक पोर्शन है वो कैसा है, रफ है, मतलब हम इसको छूने के बाद हमारे हाथों में रैशेज भी पड़ सकते हैं या हमें लाइनिंग्स भी आ सकती है, तो ये रफ है ना।
ये स्मूथ है ऊपर का स्ट्रक्चर, ये जो पॉइंट है पेंसिल का वो हार्ड है, और ये ब्लैक जो पोर्शन है वो रफ है ना। कोल्ड मतलब ठंडा, ठंडा है या गर्म है वो भी हमें कौन बताता है, स्किन बताता है। इसलिए हम इस पूरे सेंटेंस को क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। इट कवर अवर बॉडी, इट टेल अस वेदर थिंग आर स्मूथ रफ सॉफ्ट हार्ड कोल्ड और हॉट, मतलब यह सभी तरीके के चीज़ों को दर्शाता है। स्टूडेंट मैं जो चीज़ें हाईलाइट करने बोलती हूँ आपको, वो चीज़ें हाईलाइट कीजिए, क्योंकि जब मैं टेस्ट मोड दूंगी, मैं आपको टेस्ट दूंगी या जो आपको होमवर्क दूंगी, इसी हाईलाइटेड पोर्शन पे से आएगा। ओके, और फिंगर टिप्स आर वेरी सेंसिटिव टू टच। हमारी जो फिंगर टिप्स होती है, हमारी जो ये फिंगर्स की जो उंगलियों की जो टिप्स होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है। अगर इसमें सुई चुभ जाए, पिन चुभ जाए या फिर कोई भी चीज लग जाए तो तुरंत खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। इससे हम टच करने के बाद हमें इससे पता चलता है, मतलब हमारी फिंगर टिप्स कैसी है, बहुत ही सेंसिटिव होती है ना। ओके, आफ्टर द क्लास आई गिव यू अ होम वर्कशीट एंड यू हैव टू सॉल्व होमवर्क इन द पेयर कॉपी, मतलब आपकी जो साइंस की रेगुलर कॉपी है, आपकी जो न्यू कॉपी है, उसमें आपको होमवर्क करना है। एंड इट इज कंपल्सरी, एंड इट इज कंपल्सरी। ओके, सी यू सून, बाय बाय।